दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित वर्मा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। ये इधर दोस्तों यार, ये हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो। अब ये प्रो हैं, अब ये नया वाला वर्जन है इनका और इनको आया हुआ है मार्केट में लगभग जो है 2 मंथ्स हो चुके हैं। इसमें कुछ माइनर चेंजेस आ गए हैं, जैसे कि अगर कंपेयरिंग करूँ आपसे, कंपेयरिंग बाद में करते हैं, पहले मैं आपसे बताता हूँ कि आपको इसमें नया क्या क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट आपको इसमें नया देखने को मिलता है नॉइज़ कैंसलिंग। हाँ भाई, ना नॉइज़ कैंसलिंग इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी बेटर है। मतलब इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा है इसका नॉइज़ कैंसलिंग। और ये भाई एप्पल है, कुछ नया करके ही दिखाता है हर बार अपने प्रोडक्ट्स में। तो आपको नॉइज़ कैंसलिंग के साथ में आपको इसमें ऑफ नॉइज़ कैंसलिंग मिल जाएगा। मतलब आपको अगर नॉइज़ कैंसलिंग इसको ऑफ़ करना है तो आप उसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। साथ में आपको एक और फंक्शन मिलेगा, वो है ट्रांसपेरेंसी मोड। अब ट्रांसपेरेंसी मोड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई ट्रांसपेरेंसी मोड ये होता है, जैसे कि आप कभी कभी कैरियोके में जो गाना गाते हो तो आपको अपनी आवाज़ आपको लौट कर जो है सुनाई देती है आपके हेडफोन्स में, या फिर एक कैरियोके माइक वगैरह आता है, आपको उसमें अपनी आवाज़ जो है लौट कर सुनाई देती है और आप उस गाने के प्रैक्टिसिंग करते हैं, तो वो होता है ट्रांसपेरेंसी मोड। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने ये अपने कानों में जो लगा रखे हैं और आपको जो है आसपास की जो है सभी आवाज़ें आपको सुननी है, लेकिन सुनेंगे कैसे, इसमें जो है ये ईयर टिप्स अंदर इसके लगे हुए हैं रबर के और आप सही से सुन नहीं सकते, आपको कुछ जो है आवाज़ ख़राब आएगी। तो आपको फ़ोन में जो है एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी मोड का। अब जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी मोड इसका ऑन करते हैं तो ऐप ये बोलता है कि 1 सेकंड में 200 बार जो है फंक्शन करते हैं और आपको जो है बाहर की आवाज़ जो है इसमें ठीक ठाक सुनाई देती है। हाँ, मैंने इसको काफ़ी बार जो है चेक किया है इसको, और वाकई में एप्पल ठीक ही बोलता है कि हाँ भाई, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी मोड भी अच्छा काम करता है। अब साथ में प्राइस, हाँ भाई प्राइस भी चेंज हो गया है। अब प्राइस क्या है वो अभी वीडियो में आगे चलकर आपको पता चल ही जाएगा। अब दोस्तों आपसे बात करूँ मैं इसमें क्या क्या चेंज हो गया है, तो सबसे पहले नॉइज़ कैंसिलिंग, ऑफ नॉइज़ कैंसिलिंग, साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड और साथ में प्राइस और साथ में एयरपॉड्स का साइज़ और साथ में इसके केस का साइज़, ये जो है सब जो है इसकी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। बाकी इसमें सब कुछ फंक्शंस जो है सेम मिलते हैं, वही H1 चिप आपको इसमें देखने को मिल जाती है। साथ में आपको सेंसर इसमें नहीं, सेंसर भी इसमें बदल गए हैं। अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें सेंसर की, तो आपको इसमें एयरपॉड्स के नीचे ही एक छोटा सा बटन या है, आपसे कहूँ हैप्टिक टच जो है मिलती है। आप इसको जब थोड़ा सा प्रेस करते हैं इसको तेज़ी के साथ, तो आपको जो है ट्रैक्स को चेंज करने के लिए, आपके गानों को चेंज करने के लिए, या फिर आपसे कहूँ जो आपको म्यूज़िक बज रहा है उसको रोकने के लिए, आपसे कॉल रिसीव के लिए या फिर कॉल आपकी काटने के लिए, ये जो है इस काम में जो है आता है। बाकी आप इसको फंक्शन जो है सेटिंग में जाकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। लेकिन इसका सबसे बेटर फंक्शन जो है इसका है नॉइज़ कैंसिलेशन, और भाई ये आपको हार्म कर सकता है। अब कैसे हार्म करता है मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब आप अपने एयरपॉड्स अपने कानों में लगाते हैं तो जो आपकी जो रबर है, एयर टिप्स है इसकी, जो ये अपने आपके कानों को जो प्रेशराइज़ करती है और जो आपकी माइंड की नर्व्स हैं उसमें भी थोड़ा प्रेशर सा गेन होता है, और आपको जो ये थोड़ी सी सिर में दर्द की या फिर आपसे कहूँ तो थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग देता है इनको ज़्यादा यूज़ करने के लिए। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो गया है कि अगर आप अपना सिर इस तरीके से हिलाएंगे तो ये गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप इसको ज़्यादा यूज़ ना करें, ये मेरी थोड़ी सी आपसे अपील है। अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें कंपैरिजन की, जो कि एप्पल के एयरपॉड्स 2 से आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो भाई जो है थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये वाला केस जो है स्क्वीज कर दिया गया है। अगर आप एप्पल एयरपॉड्स 2 का केस इस केस के ऊपर रखकर देखेंगे तो काम नहीं बनेगा, अगर आप उसको घुमाकर रखेंगे तो शायद थोड़ा काम बन जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वीज करके थोड़ा सा इसका जो है चौड़ाई बढ़ा दी गई है और लंबाई को जो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो यार ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको इसमें मैग्नेट्स वैसे ही मिल जाएंगे जैसे आपको दूसरे वाले जनरेशन के एयरपॉड में देखने को मिलती थी। पायरिंग भी बिल्कुल सेम मिल जाएगी, लेकिन पायरिंग तो सेम मिल जाएगी लेकिन थोड़ा सा जो है अंतर आ जाएगा आपके फ़ोन में पायरिंग करने के लिए, क्योंकि जब आप फ़ोन में इसको पायरिंग करते हैं तो थोड़े अलग अलग से जो है ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई आपका एयरपॉड जो है नए नए जो तरीके जो है बनकर आ जाते हैं, क्योंकि ये नई जनरेशन के एयरपॉड हैं। और आपको देखने के बाद इसको थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई, वाकई में एक प्रो फीलिंग सी आती है हमको इसको परचेस करने के बाद। लेकिन भाई इसकी प्राइस, अगर आपसे बात करूँ मैं दोस्तों इसकी प्राइस की, तो ये मुझे पड़े हैं 24900 के, यानी 24900 रुपये के ये एयरपॉड्स हैं। लेकिन अगर आपसे बात करूं मैं इसमें ओवर प्राइस की, तो नहीं, मैं इसको ओवर प्राइस बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि जो एप्पल के एयरपॉड्स 2 आते हैं वही लगभग 17-18-19 हज़ार के पड़ते हैं। अगर आप इसको देखते हैं इन वाले एयरपॉड्स को, तो आपको ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स जो है देखने को मिल जाते हैं।
अब मेन एग्जांपल इसका दूं नॉइस कैंसिलेशन का, साथ में एप्पल ये बोलता है कि भाई इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी सी और आपको बेहतर मिल जाएगी। अब मेरा ये भी मानना बिल्कुल ठीक है कि हाँ भाई थोड़ी सी इसमें बैटरी लाइफ जो है बढ़ जाती है, क्योंकि इसका केस थोड़ा सा भारी हो जाता है। साथ ही मैं अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें आपसे गैलेक्सी बड्स से कंपेरिजन की, तो नहीं भाई गैलेक्सी बड्स तो इसके आसपास भी नहीं भटकेगा प्राइस में भी और सारे स्पेसिफिकेशंस में भी, क्योंकि जो हम गैलेक्सी बड्स को अपने कान में लगाते हैं तो थोड़ा दर्द होने लगता है कुछ टाइम बाद, लेकिन एयरपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एयरपोर्ट्स में मुझे, मैं आपको अपनी यूज़ की बात बता रहा हूँ कि मुझे जब मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया लगभग 1-1.5-2 घंटा, तो मुझे थोड़ा सर में दर्द होने की प्रॉब्लम आई। बाकी यार इसके एकदम एयरपोर्ट्स एकदम बिल्कुल मस्त काम करते हैं, एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। और आपसे अगर बात करूँ दोबारा में फ़ीचर्स की, तो आपको वही सब पुराने वाले फ़ीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, सिवाय उन सब चीज़ों के जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपके पास अपने एयरपोर्ट्स 2 हैं और आप अगर इनको परचेस करना चाहते हैं, तो अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन की ज़रूरत है, या फिर आपको डर है कि, या फिर आप एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते हैं और आपके जो एयरपोर्ट्स 2 हैं आपके बार बार कानों में से निकल कर गिर जाते हैं, तो आप इनको जो है बदल सकते हैं, आप नए एयरपोर्ट्स प्रो को जो है परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे बात करूँ मैं इसमें साउंड क्वालिटी की, तो यार लगभग सेम ही मिल जाती है पुराने वाले एयरपोर्ट्स 2 की तरह। बस इसमें जो ईयर टिप्स हैं वो थोड़े से कानों को जो जकड़ के रखती हैं, इसलिए थोड़ा सा म्यूज़िक का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा सुधार जो है आ जाता है। तो यार बस दोस्तों आपसे और क्या बताऊँ इन एयरपोर्ट्स प्रो के बारे में। हाँ परचेस आप कर सकते हैं, अब प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि भाई ये एप्पल है और एप्पल के प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन आपसे मैं हर बार वीडियो जब एप्पल की किसी प्रोडक्ट की बनाता हूँ तो यही कहता हूँ कि जब आपको एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं तो उसके साथ में आपको क्वालिटी भी अच्छी जो है देखने को मिल जाती है। तो सर बस यही था आज के इस वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक। अगर आपको हमसे कुछ पूछने सलाह सुझाव देनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट। आपको ऐसी टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ इन्फॉर्मेशन या फिर और टेक रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन सेट फॉर ऑल कर लीजिए, क्योंकि यार अब तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस जो है रेगुलरली लेकर आता ही रहता हूं। दोस्तों यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।